बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने जो इस गाड़ी में छोटा इंजन लगाया है, बाइक का या आप कह सकते हैं ऑटो रिक्शे का 200 सीसी का, तो इसको मैंने मज़ीद इम्प्रूव किया, इसमें कुछ मज़ीद इजाफ़ा किया हमने हीट सेंसर का और एक गेज का, ताकि पता चल सके कि ये इंजन किस कदर गर्म हो रहा है। और मज़ीद इसको गाड़ी को हमने चलाया और चला के इसकी स्पीड को मैक्सिमम करके देखा कि किस कदर ये गाड़ी चलती है और किस कदर चल सकती है। तो दोस्तों, जो चीज़ मैंने आज नोट की, क्योंकि मैंने इसमें जो कार्बोरेटर लगाया हुआ है वो है 70 सीसी का, 70 सीसी बाइक का कार्बोरेटर है और इंजन है 200 सीसी, जिसकी वजह से जब इसको प्रॉपर हम इसमें इसको एक्सेलेटर देते हैं तो ये गाड़ी प्रॉपर नहीं चलती और मिसिंग करना शुरू कर देती है। इसको फ्यूल प्रॉपर ठीक तरह नहीं जा रहा और जो इसमें कार्बोरेटर लगाया है वो कुछ अच्छी हालत का भी नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कार्बोरेटर जो है वो, पहले इसको 125 का लगाया हुआ था, तो 125 वाला कार्बोरेटर इसमें दोबारा लगा कर हम इसको फिर चेक करेंगे और इसकी पिक चेक करेंगे और इसकी स्पीड चेक करेंगे। सबसे जो इरिटेटिंग चीज़ है इसमें, इस इंजन में, वो है इसकी आवाज़, इसका शोर। तो इसकी आवाज़ और शोर जो है उसकी वजह से लोग देखते हैं मुड़ मुड़ के गाड़ी को, मज़ा भी आता है और इरिटेशन भी होती है, लोग बातें भी करते हैं और बाद खुश भी होते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठकर कुछ ख़ास इसकी आवाज़ ज़्यादा इंसान को सुनाई नहीं देती हमें, तो क्योंकि इंजन इसका बाहर लगा हुआ है, इंजन फ्रंट में है और अंदर गाड़ी के केबिन में इतनी आवाज़ ज़्यादा सुनाई नहीं देती। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट करके मज़ीद इसको चेक करेंगे और तमाम करने के बाद चेकअप इसके, तो फिर इंशाल्लाह हम इसका जेन्युइन इंजन जो है गाड़ी का वो लगाएंगे और उसकी एवरेज जो है फ्यूल एवरेज, फ्यूल माइलेज, उसको हम इस तरह कंट्रोल करेंगे कि उसकी जो फ्यूल एवरेज है अराउंड अबाउट 25 किलोमीटर पर लीटर होगी इंशाल्लाह। वो सेटिंग जो है वो मैं करके आपको इंशाल्लाह लाजमी नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूँगा। और उसकी आवाज़ जो है वो भी बिल्कुल ठीक होगी, क्योंकि जेन्युइन इंजन की आवाज़ गाड़ी की बिल्कुल बहुत प्यारी होती है। रिक्शे में सी ना बोला कार थोड़ा सा फिर मिसिंग नहीं करेगी।